ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापुत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गीता श्रीमद् भागवत के इस वेदांत टीका का 90 स्कंद का 7वां और 8वां अध्याय ले रहे हैं। 7वें अध्याय में राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा है। मांधाता के श्रेष्ठ पुत्र थे अम्बरीश, जो दूसरे वाले अम्बरीश थे। वो दादा युनाश्व ने उन्हें अपना पुत्र बनाया, यानी दत्तक ले लिया उनके दादा युवनाश्व ने। और अम्बरीश से यवनाश्व हुए और यवनाश्व से हरित हुए। और हरित के बाद मांधाता के वंश में ये तीन अवांतर गोत्र के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया। नागों की एक बहन थी नर्मदा, जो आजकल नर्मदा नदी के रूप में यही होगी शायद, जो भी हो, लेकिन विवाह कर दिया किससे, पुरुकुत्स से कर दिया, जो कि और नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई, रसातल जहां नागों का निवास है। वहां उन्होंने बध योग्य गंधर्वों को मारा, क्योंकि गंधर्व बहुत गड़बड़ कर रहे थे वहां। और क्योंकि गंधर्वों की आदत होती है कि जहां सुंदर स्त्री देखी, धन देखा, वहां गड़बड़ करते हैं। और कई स्त्रियों को इसलिए गंधर्व बाधा भी हो जाती है। तो गंधर्वों को मारा तो नागराज ने प्रसन्न होकर वर दिया कि जो इस प्रसंग को स्मरण करेगा वो सर्पों से निर्भय हो जाएगा, उसको सर्पों का डर नहीं रहेगा। पुरुकुत्स जो थे, पुरुकुत्स से त्रिदस्यु, त्रिदस्यु से अनरण्य, और अनरण्य से हर्षस्व, और हर्षस्व से अरुण, और अरुण से त्रिबंध, और त्रिबंध सत्यव्रत। यही सत्यव्रत जो राजा थे त्रिबंध के पुत्र, यही त्रिशंकु कहलाए आगे जाके। ऐसे तो नाम उनका त्रिबंध था, लेकिन वो त्रिशंकु कहलाए। त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के श्राप से चांडाल हो गए, क्योंकि पिता की उन्होंने कोई बात अवज्ञा करी और गुरु का भी कुछ अपराध कर दिया, तो दोनों के श्राप से चांडाल हो गए। परंतु विश्वामित्र जी उनके उनसे बड़ी सहानुभूति रखते थे, तो विश्वामित्री ने कहा, क्या किया, अपनी तपस्या के प्रभाव से उनको शरीर सहित स्वर्ग में पहुंचा दिया। जब स्वर्ग के देवताओं ने देखा कि एक मानव स्वशरीर स्वर्ग में आ गया, जबकि स्वशरीर स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता, तो वहां से देवताओं ने क्रोधित होकर उनको ढकेल दिया। और जब देवताओं ने ढकेल दिया तो विश्वामित्र को आया गुस्सा, तो उन्होंने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में स्थिर कर दिया। और आज भी वो आकाश में एक नक्षत्र के रूप में दिखाई देते हैं, 8 से 5 से 6। आप देख सकते हो कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कितने शक्तिशाली थे, कितने सामर्थ्यवान थे। आदमी को सशरीर स्वर्ग में पहुंचा देते थे,
तुम तो यार एक छोटा सा रॉकेट चंद्रमा पे उतार के बड़े खुश हो रहे हो, जैसे तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हमारे ऋषि मुनि तो स्वर्ग में पहुंचा भी देते थे और अपने तपोबल से स्वर्ग का निर्माण भी कर देते थे। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को उस नक्षत्र में बीच में उनके लिए स्वर्ग का निर्माण कर दिया, वहां वो रहने लगे। अब त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, जिसके बारे में आप जानते हो, हरिश्चंद्र बहुत जाना माना नाम है। हरिश्चंद्र ने भगवान वरुण की आराधना की और उस आराधना में उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम था रोहित। और इनका वायदा था हरिश्चंद्र का यजन का, तो वो यजन को टालते रहे, क्योंकि उस वरुण ने तय किया था कि अगर पुत्र होगा तो तुम उसे मुझे यज्ञ पशु बनाना उसको। तो रोहित को यज्ञ पशु न बनने देने के लिए तो उन्होंने क्या, जब रोहित बच गया तो इंद्र ने उसे 6 वर्ष तक नहीं आने दिया। तो हरिश्चंद्र ने कोप से हरिश्चंद्र को वरुण के कोप से महोदर रोग हो गया, जिसको आजकल हाइड्रोसिल बोलते हैं। उसको उनका पेट में पानी भर गया, लंबी लंबी चौड़ी उनको पेट बाहर आ गया, गठान टाइप हो गई। तो रोहित ने अजिगर्त से उसके मझले पुत्र शूलक्षेप को मोल ले लिया, खरीद लिया। और हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुषमेघ यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया, लेकिन भगवान की कृपा से वो जो खरीदा हुआ शूलक्षेप है वो भी बचा, क्योंकि वो तो सिर्फ भगवान आदमी का समर्पण देखते हैं। ये कथा ये कहती है, पुरुष मेघ का मतलब ये नहीं होता कि पुरुष को काट दिया। पुरुष मेघ का मतलब होता है कि कोई एक पुरुष अपना पूरा जीवन परमात्मा के लिए समर्पित कर दे और परमात्मा के कार्य में पूरी तरह जुट जाए। उस यज्ञ में विश्वामित्र होता थे, जमदाग्नि अवर्धु थे, वशिष्ठ ब्रह्मा थे, अयात्य मुनि उद्गाता थे, सामगान करने वाले थे। इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया, 20 से लेकर 31 तक का यह है अर्थ, श्लोक तक। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी को उस ज्ञान का उपदेश दिया जिसका कभी नाश नहीं होता, यानी आत्मज्ञान कराया। हरिश्चंद्र ने मन को पृथ्वी में और पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत्तत्व में लीन करके इस ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अहंकार भस्म कर दिया। भैया ये अहंकार भस्म इतना लंबा चौड़ा करने की जगह तो तुम साक्षी का ध्यान करो तो ये अहंकार भस्म हो जाएगा। तो 24 से 26 तक का यह है। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से ये ऊपर वाला जो सोने का रथ दिया वह 20 से 23 तक का था और ये अहंकार भस्म कर दिया 24 से 26 तक का है। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी उन्होंने परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न किसी प्रकार से बताया जा सकता और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान किया जा सकता। ये खुद भागवत कहती है 27वें श्लोक में कि वो जो आत्म तत्व है, जो परम ज्ञान है, वो ना तो किसी प्रकार से बताया जा सकता ना उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान किया जा सकता। इसलिए कभी कुछ लोग शिष्य मुझसे पूछते हैं कि गुरु जी आत्मज्ञान में क्या होता है, तो मैं क्या बताऊं क्या बताऊं, श्रीमद् भागवत ये प्रमाण दे रही है। अब 8वां अध्याय ले रहे हैं, इसमें सगर राजा सगर का चरित्र है।
सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो रोहित था, जो वरुण ने हरिश्चंद्र को दिया था, इस रोहित का पुत्र हुआ हरित, और हरित का हुआ चंप, और उसने चंपापुरी बसाई। और चंपापुरी भारत में है, लेकिन दुष्टों ने नाम बदल दिए, आप कैसे जान सकते हैं कहाँ है। तो सुदेव से विजय, विजय से भरूक, भरूक से ब्रक, ब्रक से बाहुक, बाहुक से सगर, और जो सगर राजा हुए वो इसलिए उनका नाम सगर हो गया कि सगर की जो माँ थी और उनकी माँ की जो सौतें थी, मतलब और अन्य रानियां थी, उन्होंने क्या करा कि उनको जहर दे दिया था, और वो जहर साथ में लेकर उन्होंने जन्म लिया, जहर का उनको असर नहीं हुआ। इसलिए सगर चक्रवर्ती सम्राट थे, और उन्होंने ही पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया। सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मानकर ताल जंघ, यवन उस समय भी यवन थे भैया, यवन शक है ये बर्बर जातियों का बध तो नहीं किया लेकिन उनको विरूप बना दिया। अभी आप जो विचित्र विचित्र प्रकार की वेशभूषा पश्चिमोत्तर के देशों में देखते हो लोगों की, वो राजा सगर की दी हुई भूषभूषा और परंपरा है। विरूप बना दिया, और विरूप कैसा बना दिया कि जो इस तरह के जो लोग हैं, ये अपने अंग को भंग कराते हैं, कि अंग भंग का इनका ये सब परंपरा, राजा सगर ने इनको दंडित किया था, तब से चली है विरूप बनाना। और कौन सा विरूप बनाना, क्या किसी की नाक कान थोड़े काट लिए उन्होंने। अब आप इससे समझ जाओ, अगर समझदार हो तो समझ जाओ, विरूप बना लिया। और अब खुल के बात कर रहे हैं, जब बात हो गई तो खुल के ही बात हो गई कि वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दाढ़ी रखते हैं लेकिन मूछे नहीं रखते, कुछ लोग ऐसे हैं जो मूछे रखते हैं तो वो अलग ढंग की रखते हैं, बीच में से काट देते हैं, आइड साइड में मूछे रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चोटी नहीं रखते, खोपड़ी सपा चट रखते हैं लेकिन दाढ़ी जरूर रखते हैं। तो इस तरह के उनके जो रंग रुंग रहन सहन के ढंग है, ये भागवत प्रमाण दे रही है कि राजा सगर ने जो है यवन, अब यवन कोई भारत में तो रहते नहीं है, और यवन तो आसाम में भी नहीं रहते, और यवन तो ब्रह्मदेश में भी नहीं रहते, ब्रह्मा में नहीं रहते, और यवन तो जापान में नहीं रहते, और यवन तो चीन में नहीं रहते, यवन तो तिब्बत में भी नहीं रहते, तो यवन कहाँ रहते हैं ये सबको पता है। तो उस उन लोगों का राजा सगर ने ये यवन और क्या नाम बताए, यवन और शक और है और ये बर्बर जो जाति है इनको विरूप बनाया। और वो सगर और सुमति, सगर और सुमति ये और वो ऋषि के उपदेश अनुसार, और भी इनके क्या थे, सगर और सुमति दोनों पति पत्नी के गुरु थे, इनके उपदेश अनुसार इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, और उसमें जो घोड़ा छोड़ा वो क्या हुआ कि सगर के 99 यज्ञ हो चुके थे, अगर सगर एक और यज्ञ कर लेते तो इंद्र पद प्राप्त हो जाते, वो तो कुछ प्राप्त नहीं होते लेकिन इंद्र तो डरता है ना, जैसे रामचरितमानस में कहा है सूक हाड़ ले स्वान सठ, ऋषि मुनि तो तपस्या करते हैं और इंद्र को जो है डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये तपस्या मेरे इंद्र पद प्राप्त करने को तो नहीं कर रहा, ब्रह्मा जी से वरदान तो नहीं मांग लेगा। तो इंद्र ने क्या चालाकी की कि जो यज्ञ का घोड़ा था वो चुरा लिया। अब सगर के पुत्रों ने घोड़ा ढूंढने में घमंड से पृथ्वी खोद डाली, और इंद्र ने चालाकी करके उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो 60,000 राजकुमार
ढूंढते ढूंढते जमीन खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। ये वही कपिल मुनि है जिन्होंने सांख्य के शास्त्र की रचना की। ये वही कपिल मुनि है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और आज भी उनकी मौजूदगी है इस जगत में। तो कपिल मुनि को चोर समझकर और कपिल मुनि ध्यान कर रहे थे तो उनको मारने दौड़े। तभी कपिल मुनि के शरीर से एक अग्नि निकली। देखो भगवान के भक्तों को तो कोई मार नहीं सकता ना, मारे तो फिर जैसे सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश की रक्षा की। अग्नि निकली और 60,000 जो सगर के पुत्र थे वो राख में बदल गए, खाक हो गए, उनकी राख की ढेरियां हो गई। कपिल ने क्रोध नहीं किया बल्कि ब्रह्म वेत्ता के तिरस्कार का ये फल है, ये 13वां श्लोक है। रामचरितमानस कहता है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु भगवान हनुमान जी साधु थे, उनसे जैसा कौन साधु होगा, और उनकी अवज्ञा की रावण ने तो उनको लंका, उनकी लंका, रावण की लंका जली। और साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण निखिल की हानि। साधु की अवज्ञा ऐसी होती है कि अगर उसकी सब कुछ नष्ट हो जाता है उससे। तो कपिल मुनि की अवज्ञा करने से, कपिल मुनि पर क्रोध करने से, कपिल मुनि को मारने दौड़ने से 60,000 राजकुमार जल के खाक हो गए। और कपिल मुनि ने नहीं किया, ये तो ब्रह्म वेत्ता के तिरस्कार का फल है। ये 13वां श्लोक है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है इसमें। कपिल मुनि ने इस जगत को सांख्य का एक ऐसी दर्नाव दी, एक ऐसा जहाज दिया जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति संसार सागर को पार कर सकता है। वे केवल परम ज्ञानी नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है, उनका कोई शत्रु मित्र नहीं है। यह 14वां श्लोक है। अब शगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशनी, और केशनी से हुए असमंजस, और असमंजस से हुए अंशुमान, और अंशुमान पूर्व के योगी थे इसलिए वो वन को चले गए, वन को चले गए। दादा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़ा ढूंढने निकले। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखकर अंशुमान ने उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना की, भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे, मन वाणी बुद्धि से परे हैं, आपको समाधि से भी नहीं जाना जा सकता। इसलिए तो मैं कहता हूं कि पातंजलि की समाधि से भी भगवान नहीं मिलते, लेकिन पातंजलि वाले मानते ही नहीं है। लो अब भागवत में लिखा हुआ है, पढ़ लो। गुरुओं की बात नहीं मानते हो, तुमको शास्त्रों में लिखी हुई बातों का प्रमाण लगता है, पढ़ लो, इसमें लिखा है कि आपको समाधि से भी नहीं जाना जा सकता। इसलिए गुरु गीता में लिखा है जब यज्ञ व्रत तप दान ध्यान समाधि है भ्रांति, और सतगुरु को जब जानिए घटती है तब क्रांति। तो हे प्रभु हम अज्ञानी जीव आपको क्या जाने। तो तीनों गुण तीनों अवस्थाओं में शरीर धारी जो अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं, वो आप जैसे परब्रह्म परमात्मा जो साक्षात मनुष्य रूप में है उनको कैसे जान सकते हैं। माया मोहित बाहर मुख अपने हृदय में स्थित, आप तो उनके हृदय में भी स्थित हो तो भी नहीं जान पाते। देख लो ये 23वां श्लोक है जो गीता की बात को दोहरा रहा है। माया मोहित बाहर मुख अपने हृदय में स्थित आपको नहीं जान पाते, ये 23वां श्लोक पढ़ लेना। आप एक रस हैं, ज्ञान घन हैं। सनकादि मुनि जो आत्म स्वरूप के अनुभव से माया के गुणों द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते हैं। बताओ सनकादि ऋषि भी
भगवान कपिल का निरंतर चिंतन करते हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद परमात्मा परब्रह्म भगवान महाविष्णु है। कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं। देख लो बात, अब खुल के सुन लो गुरु कैसे होते हैं। उनमें लिंग शरीर नहीं होता, कारण शरीर होता नहीं, वो दिखते हैं आपको मनुष्य के रूप में। तुम लोग मुझसे पूछते हो कि आत्मज्ञान के बाद क्या होगा, आत्मज्ञान के बाद ये होगा कि आपका स्थूल शरीर रहेगा लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये नहीं रहेगा। कारण शरीर तो बिल्कुल नहीं होगा और सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि है वो आपके गुलाम हो जाएंगे, आपके यंत्र हो जाएंगे, आप जब चाहो उसका उपयोग कर लेना जरूरत पर, और नहीं तो आपके घर में जैसे फावड़ा पड़ा रहता है ऐसे पड़े रहेंगे। आपके घर में जैसे कैंची पड़ी रहती है, जब कोई चीज काटनी है तो आप उठा लेते हो, काट लेते हो, फिर रख देते हो, ऐसे आपकी बुद्धि को आप कैंची की तरह उपयोग में ला लिया। तो भगवान आप एक रस से ज्ञान घने सनकादि मुनि जो आत्म स्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा आप में होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते हैं। माया विमूढ़ में आपका कैसे चिंतन करूं, आपका कैसे चिंतन करूं, ये 24 वर्ष लोग हैं। कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं, ना तो आपका नाम है और ना रूप है, आप में ना कार्य है और ना कारण है, आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभो, संसार आपकी माया की करामत है। ये करामत शब्द यहां आ गया, इससे पता लगता है कि यार भागवत में कहीं ना कहीं ये लोगों ने टच तो किया, नहीं तो करामत कैसे आ गया गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत में, है ना। तो करामत है, ये उर्दू शब्द है, कैसे आ गया। आपके दर्शन से मेरे मोह की फांसी कट गई है, प्रभु आपको नमस्कार है। भगवान कपिल के दर्शन होते ही उनके अंशुमान की मोह की फांसी कट गई, मोह चला गया। इसलिए कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाया निज सहज स्वरूपा। प्रार्थना सुनकर कपिल मुनि खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और कृपा करके अनुग्रह करके उन्होंने उनको घोड़ा दे दिया और भाइयों के उद्धार हेतु उपाय बताया कि बेटा अगर गंगा जल गंगा अगर आ जाए तो उसके जल से तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो सकता है, उनको फिर मोक्ष हो सकता है, नहीं तो ये 60,000 लोग ये रेत के ढेरी बन के इसी प्रेत योनि इस रेत के ऊपर राख के ढेरी बन के इस राख के ऊपर मंडराते रहेंगे। पिता का यज्ञ पूरा हुआ, राजा सगर ने अंशुमान को राज सौंप दिया और सतगुरु औरब के बताए हुए मार्ग से परमानंद यानी आत्म ज्ञान की प्राप्ति की। ये 31 वर्ष लोग हैं। अब मैं आपको ये निवेदन करूं कि दर्शन तो उन 60,000 लोगों ने भी भगवान कपिल के किए थे, तो वो उनको क्यों प्रेत योनि यानी मरना पड़ा, जलना पड़ा और उनकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। और दर्शन तो अंशुमान ने भी किए, तो इसका सिद्धांत यह है कि बछड़ा जब गाय का दूध पीता है, गाय उसको चाटती है, प्यार देती है, उसको वो जो प्रेम मिलता है, ऐसे जो सदगुरु होता है और उस शिष्य उसके बछड़े हैं उसका दूध पीते हैं, ज्ञान का दूध। लेकिन गाय के ऊपर एक सफेद सफेद रंग का कीड़ा गाय का खून चूसता है, हम उसको किलीली बोलते हैं, तो किलीली को गाय का जो मालिक होता है वो निकाल के फेंक के मार देता है। ऐसे ही सतगुरु का मालिक कौन है, भगवान सच्चिदानंद परमात्मा। तो सतगुरु का अगर कोई खून पीने की कोशिश करेगा तो ये 60,000 सगर के पुत्रों की तरह मारा जाएगा, लेकिन सदगुरु को जो प्रेम देगा उसका बछड़ा बनेगा, वो अंशुमान की तरह अनुग्रह और कृपा प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। बस मैं भगवान कपिल मुनि के चरणों में शीश झुकाते हुए ये जो प्रवचन था 7वां और 8वें अध्याय का, ये पूर्ण करता हूं। अगला प्रवचन
फिर लेंगे। शिवोहम शिवोहम।